इतना सन्नाटा है यहाँ। हाँ, पर पहले जैसा नहीं। बड़े रास्ते पर गाड़ियों की रहदारी बढ़ गई है ना। पहले तो इंसान मुश्किल से नजर आते थे यहाँ, सिर्फ शेर चीते चोर उचक्के हाथी वगैरह ही घुमा करते थे बस। तो तुम दोनों यहाँ क्यों आ बसे? और कहाँ जाते? आइए आइए संभल के। देखिए, ये पत्थर तो यहीं थे ना। और ऐसी सुनसान जगह पर हाँ, बीवी बच्चों के साथ आदमी के खाने पीने की क्या व्यवस्था हो सकती है? खाने पीने की समस्या से मेरे गुरुजी का कोई संबंध नहीं था। रही बीवी बच्चों की बात, तो उन्होंने शादी ही नहीं की। संभल के, मैं 5 साल की उम्र में उनके पास आया था। मेरे माता पिता कौन थे मैं नहीं जानता। लोग कहते थे कि गुरुजी ने मुझे नदी किनारे की सीढ़ियों पर पाया था। पाया था? और वो ब्रह्मचारी थे? जीवन भर यहीं रहे वो। सारा दिन कोई ना कोई मूर्ति बनाने में बिताते। उनकी सारी पूंजी मुट्ठी में समा जाए इतनी ही थी। यहीं मैं उनके लिए थोड़ा सा चावल पका लेता। एक रात गुरुजी ने मुझे जगाया। उन्होंने गायत्री देवी का सपना देखा था। उसी रात उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो गुजर गए। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया और दूसरे दिन शहर की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक लोगों के दान धर्म पर ही जीता रहा। फिर ये धंधा करने की सूझी। यहीं कहीं पड़ा होगा वो पत्थर। वास्तविकता से कितना दूर खींचा चला जा रहा हूं मैं। कितना संकुचित रहा है मेरा जीवन आज तक। घर से निकलकर मिठाई की दुकान तक बस। माली की करतूतों से भी कितना लिप्त लगता है यहाँ। कहीं मैं एक नए जन्म के द्वार पर तो नहीं? जगन सेठ, जरा मदद कीजिए। आइए आइए, जरा इस पत्थर को उठाने में मदद कीजिए। आइए। हाँ, ये ऊपरी हिस्सा है। देखिए देखिए देखिए, गुरुजी का बनाया हुआ देवी का रेखा चित्र। अगर मैं इस मूर्ति को पूरा करने में अपना जीवन बिता सकूं, तो चैन से मर सकता हूं। तुम्हारी उम्र क्या है? 59 साल। कब तक ये काम पूरा कर सकोगे? सब भगवान के हाथ में है। कितने सालों से ये पत्थर पानी में पड़ा है, क्या पता पहले बार पर ही 2 टुकड़े हो जाएं? ये तो बहुत ही अशुभ विचार है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूं। हाँ, छोटा सा व्यापार है मेरा, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। आप इस जगह को खरीद कर देवी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। आप पर कोई जोर नहीं, लेकिन ऐसी शान जगह से आपको भी फायदा होगा। हाँ, सच है।
अब मुझे ऐसे शांत और एकांत स्थल की बहुत जरूरत है। जानते हो दोस्त, मनुष्य को जीवन के किसी एक मोड़ पर सब कुछ छोड़कर गायब हो जाना चाहिए। मेरी बीवी को गुजरे कई साल हो गए और अब बेटे के साथ बातचीत करना भी मुश्किल हो गया है। घर नर्क जैसे लगने लगा है, फिर भी सब कुछ अधूरा छोड़कर जाना, पता नहीं। कहते हैं एक निर्दिष्ट समय पर ही मनुष्य एक नए जीवन में प्रवेश करता है और उसका विरोध करना मूर्खता है। भगवान जाने। इसका निर्णय आप ही ले सकते हैं, सोच लीजिए, मगर एक बार तय कर लें तो पीछे मत हटिए। मालिक, मालिक, बहुत दिन हो गए मालिक। तुम तो हट्टे कट्टे आदमी हो, काम क्यों नहीं ढूंढते कहीं? वक्त नहीं मिलता मालिक, भीख मांगते मांगते दिन पूरा हो जाता है। नमस्ते। आजकल मालिक अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बताते, क्यों? मुझे जितना मालूम था सब सुना चुका हूँ। छोटे मालिक अब क्या कर रहे हैं? कारखाना खोल रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे कारखाने में? यंत्र, मशीन, ऑटोमेटिक। मालगुड़ी में हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। कौन बातें कर रहा है? आनंद भवन के सेठ और बहुत सारे लोग। करने दो। ये टेलीग्राम हमारे कोलैबोरेटर्स ने भेजा है, आज दोपहर को आया। क्या लिखा है? प्लीज केबल बैक स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। तुम्हें टेलीग्राम भेजने की क्या जरूरत, मामूली चिट्ठी से काम हो जाएगा। मैं जानता हूं कब चिट्ठी भेजनी चाहिए और कब टेलीग्राम। धंधे में वक्त बहुत कीमती होता है। स्टेटस के बारे में क्या जवाब दूं? स्टेटस? किसकी स्टेटस के बारे में बात कर रहे हो? फॉर गॉड्स सेक, हम अपनी फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं या नहीं? तुम इस विषय पर अभी चर्चा करना चाहते हो? हाँ, कुछ मालूम तो हो आप क्या चाहते हैं। बेटे, मिठाई की दुकान तुम्हारे लिए ही है, उसे चलाओ। मैं आपसे कह चुका हूं मैं एक मिठाई वाला अमेरिका में कुछ सीख कर आया हूं। मैं हजारों डॉलर खर्च करके इस नॉलेज का हमारे देश को कोई उपयोग तो हो, मिठाई की दुकान चलाओ। वैसे भी आपका धंधा चौपट हो चुका है। ये किसने कहा तुमसे? बाजार में ये तो बात हो रही है, कोई भी मिठाई 25 पैसे। ये कर क्या रहे हैं आप? क्रिस कहां है? क्यों, आप हमारे धंधे में शामिल होने वाले हैं या नहीं? मैं ना कर दूं तो? ग्रेस को हमें वापस भेजना होगा। मेरी ना का ग्रेस से क्या संबंध? वो यहां रहकर क्या करेगी? आई मीन व्हाट कैन शी डू? तुम्हारा कहना ही मेरी समझ के बाहर है। तुम और तुम्हारे इरादों को मैं कभी नहीं समझ पाया। तुम ग्रेस को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। वो बाहर गई है। बाहर? कहां बाहर? जहां चाहे वहां जा सकती है। माली, मैं जानना चाहता हूं कि वो अपने देश क्यों लौटना चाहती है। क्यों, उसे रोकने वाले आप कौन होते हैं? वो आजाद है, यहां की बहुओं की तरह नहीं। हाँ, वो आजाद है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं क्या वो यहां दुखी है, किस चीज की कमी है उसे? पिताजी, यहां है ही क्या? सब कुछ इतना सुनसान है। उसे न्यूयॉर्क जैसे शहर की आदत हो गई है। वो यहां काम करने आई थी, अब काम नहीं तो वापस चली जाएगी। उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूं? काम नहीं, इतना बड़ा घर है, सारा दिन काम करे तो भी, वो चाहती क्या है? वो मुझे बिजनेस में हेल्प करने आई थी। अगर बिजनेस नहीं तो उसके रिटर्न टिकट का इंतजाम करना होगा। पर हर परिस्थिति में पति का साथ देना पत्नी का धर्म है। नरसिम्हा, नरसिम्हा, जय
जब तुम्हारी जरूरत होती है तभी लापता हो जाते हो। मुझे ग्रेस से दो एक बातों का पता लगाना है। इस वक्त वो डॉक्टर कुरुवला के यहाँ होगी और माली वहाँ उसके साथ नहीं होना चाहिए। तुरंत कुछ करो। अच्छा अरे तुम यहाँ हो? तुम्हारी योजना कहाँ तक पहुँची? उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। अच्छा वो आनंद भवन वाले सेठ तुम्हारे सारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। कौन? महेंद्रन के पिताजी? वो आनंद भवन वाले सेठ तुम्हारे बहुत सारे शेयर खरीदना चाहते हैं। ग्रेस विट्सल। ग्रेस? हाँ, वो कहाँ है? घर पर है पर अमेरिका जाना चाहती है। क्या अमेरिका? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ ना? ओह नो, यू नो कोलैबोरेटर से बात करनी। अच्छा ये सेट कितने शेयर्स खरीदेंगे? बहुत सारे। वो तुम्हें तुम्हारे कारखाने के लिए अपनी जमीन दिखाना चाहते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। ये जमीन है कहाँ चाचा? हिल रोड पर। कम ऑन अभी चलते हैं। अभी नहीं, अभी वो कलेक्टर शायद शाम को चलेंगे। मेरे आने तक यही ठहरना। ओके व्हाट टाइम? यही कुछ 5:30-6:00 बजे तक। You know, friends, I think I've just made a fantastic deal again. अगर तुम कुछ देर के लिए दुकान छोड़ने को तैयार हो तो घर पर ग्रेस को मिल सकोगे। माली को हिल रोड पर जमीन का टुकड़ा दिखाने मैं ले जा रहा हूँ। काहे के लिए? उसकी फैक्ट्री बांधने के लिए। बकवास है, बातें तो बड़े पूंजीपति जैसे करता है और पैसे मुझसे ही मांगता है ना। सारा मालगुड़ी कहता है माली धंधा खूब करेगा, बातें अच्छी कर लेता है ना। हाँ, मेरे अलावा और सबसे अच्छी बातें करता है। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं ठहरता हूँ। तुम यहीं बैठो, छाता दो। ग्रेस, ग्रेस। पिताजी, you here at this hour? How unusual. I want to talk to you. Yes, sure, come in. I don't see you in the house these days. Why? Don't trouble yourself. You need not answer my question. You want to go back to your country? I have to go to the shop. Mo wants me to go back, Pitaji. Why? It's over, that's all. What is over? पर माली तुम्हें वापस क्यों भेजना चाहता है? ये किसका? Whose idea is this? Yours or his? He says he can't afford to keep me here any longer. I used to work. Had $2,000 when I came. All that's gone now. इतने पैसे? But how? Mo just. Mo has no use for me. No use? दिमाग फिर गया है उसका। You see, I looked after my wife so long as she was alive. The only good part of it is that there is no child. Grace, if you read our Puranas, you will find that a wife's place is always with her husband, whatever may happen. But we're not married. Mo promised to marry me in the Indian way because I liked it and brought me here. शादी हुई ही नहीं? Even after coming here, the marriage did not take place. Wouldn't you have known if it had?
तुम माली को कितना जानते हो? जानते हो उन दोनों की शादी तक नहीं हुई? तुम हाँ कहो, माली के लिए रिश्तों की कमी नहीं। उस गधे के लिए तुम और रिश्ते ढूंढोगे? क्या हो रहा है वहाँ कैप्टन? उन्हें भेज दो, भेज दो उन्हें। जाओ जाओ जाओ, थोड़ा प्यार से गले लगाया तो सर पर चढ़ बैठे। समाज को बदलने की जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? आनंद भवन सेठ के साथ मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं? गंगा आओ, इसे पोंछ डालो, पोंछ दो। रिश्ते नातों के बंधन से अंधे हो जाते हैं हम, बहक जाते हैं, सब भ्रम है, भ्रम। सच है, फिर भी जीवन की हर मुसीबत में अपने आप को स्थिर रखना मुख्य है। स्थिरता वही पाने की कोशिश करता रहा हूं मैं। हमारे परिवार में आज तक ऐसी बात कभी हुई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता दो जवान लोग बिना शादी किए एक साथ कैसे रह सकते हैं। मेरे घर में घर सारा अपवित्र लगने लगा है। माली मेरा बेटा है, ग्रेस मेरी बहू नहीं, ऐसे घर में मैं रहूं कैसे? तुम ही तो हमेशा कहा करते थे गीता के अनुसार आदमी को संसारिक बंधनों से अलिप्त रहना चाहिए। घर के पीछे वाले दरवाजे से आया जाया करो, उनके हिस्से में कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो उन्हें घर से बाहर भी निकाल नहीं सकते ना। She said, I'm for this. Oh, God. Come on, come on now. Woo! No, not up there. You're going to come inside. Come on. Oh, let me go. Come. Now, just you see how I drive. Come. Well, let me. Okay. Come. Pitaji, what's happening to this house? I heard you all of last night. I was trying to clean up the place. Oh, really? See you later. Move! अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? किस बारे में? माली और उस लड़की के बारे में। अभी देखो झगड़ते रहते हैं, अभी देखो गले में गला डालकर घूमते रहते हैं। इसका क्या अर्थ लगाऊं मैं? चुपचाप दोनों की शादी करवा दो पहाड़ के मंदिर में। तुम कहो तो मैं पूरा इंतजाम करवा दूंगा। पर कैसे? उस लड़की की जात तक नहीं जानता मैं। मंदिर का पुजारी उसका धर्म भी बदल सकता है। अच्छा? हाँ हाँ, अच्छा हुआ तुम हो मेरे साथ। भगवान जाने तुम्हारे बिना क्या करता मैं। जल्द से जल्द उनकी शादी कर देनी चाहिए, तभी प्रायश्चित होगा।